तरह अच्छा होगा जी। वजह से नमाज कज़ा होगी जी, उसको फौरन जब वो कब पढ़े या दूसरे नमाज के साथ मिलाकर। देखिए नमाज जो कज़ा हो जाती है वो जब आपको वक्त मिलेगा तब पढ़ेंगे, दूसरे नमाज का इंतज़ार नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, कोई इंसान गफलत में होता है सो जाता है, उठे तो क्या करे, तो कहा जब उठे तब नमाज पढ़ ले, तो इंतज़ार नहीं करना है आपको। तो समझ लीजिए किसी वजह से ज़ोहर नहीं हुई तो असर का इंतज़ार नहीं करना है, फ़ौरन जब वक्त मिलेंगे आपको जाना है और कज़ा नमाज को अदा कर देना है, उसके लिए वेट आपको नहीं करना है कि अगली नमाज, चूँकि अगली नमाज तक रुकेंगे अब आप गुनाहगार हो जाएंगे, ये तो खाली छूटी है अभी, लेकिन आप अगले तक रुक रहे हैं वो नमाज को आने दे रहे वक्त, क्योंकि आप मस्जिद जाएंगे अलग से कहाँ जाना तो गुनाहगार हो जाएंगे, तो मस्जिद जाइए, नमाज पढ़ी, फिर अगली नमाज को आप जो है उसके वक्त में पढ़ सकते हैं। किसी सवाल के लोग